मेरे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर के रूप में शिक्षा विभाग की तरफ से आए हुए राजीव जी और मेरे पार्टी के यहाँ प्रदेश के सचिव हुकुमचंद जी, जिलाध्यक्ष इंदर सिद्धू जी, मेरे पुराने दोस्त गुरप्रीत हैप्पी जी, सोनू जी, हरमेश जी, अमित जी, गुरमीत जी, दरियाव सिंह, कई बार मास्क तो पता नहीं लग रहा है तो भी किसी का नाम रह गया है। और मेरे दोस्त पत्रकार लिबरेट जी, इन्होंने तो मिला। और यहाँ पर उपस्थित आज स्कूल के सब टीचर साहिबान और मीडिया से आए हुए दोस्तों, भाइयों बहनों और बहुत प्यारे बच्चों, आज का दिन एक बहुत ही पवित्र और खास दिन है। आज के इस दिन की पवित्रता आप जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है और हम सब अपने देश की रीति के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। और इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु से शिक्षा लेते हुए और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की सहायता से बच्चों को हमने बैग्स दिए हैं, पूरी 10वीं क्लास की टेक्स्ट बुक, 10 नोटबुक, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारा बच्चों आपको दिया है। लेकिन ये सारा दो चीजों के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। एक है कि गुरु का आशीर्वाद, आपके टीचर्स का आशीर्वाद, उनकी मेहनत और लगन, और दूसरा आपकी अपनी मेहनत और लगन। किताबें तो हर घर में मिल जाती हैं, लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है और उसका गुरु उसको गाइड करता है, वो बच्चा बहुत आगे पहुंच जाता है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके हैं जिन गोविंद दियो मिलाए। कि भगवान और गुरु जी सामने खड़े हों तो मैं किसके पांव को पहले हाथ लगाऊं? तो कबीरदास जी ने कहा कि पहले मैं गुरु के चरणों को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। तो मैं मानता हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक अच्छे दिन के दिन, एक अच्छे नक्षत्र में, एक अच्छे स्टार्स के अंदर आपको ये एक दीक्षा के रूप में आपको पुस्तकें मिली हैं और गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। घर जाकर माँ बाप का भी आशीर्वाद लेना और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा के सिर्फ ये नहीं सोचना आपने कि मेरे को पढ़ाई करनी है, आपने ये सोचना है मुझे आगे बढ़ना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, एक देश के एक अच्छे सिटीजन बनना है और सबसे अधिक एक अच्छा व्यक्ति बनना है। क्योंकि बहुत बड़ी पढ़ाई करके भी किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन अंदर से अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वो नौकरी के बाद भी नीचे गिर जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, अगर पढ़ाई भी नहीं कर पाया, वो अपनी अच्छाई के साथ दुनिया की चोटी पे पहुंच जाता है। तो मेरी आप सबको आज के शुभ दिन की शुभकामनाएं, और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आप आज 25 बच्चों को ये बैग दिया गया है, मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ो। लेकिन 25 में से जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसकी 11th क्लास की पढ़ाई का पूरा खर्चा कॉम्पिटेंट फाउंडेशन देगी, इसकी मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ। और 12 स्कूलों में हमने ऐसा कार्यक्रम रखा है, ये आज 10वां स्कूल हो गया, अभी 2 स्कूल में हमने और जाना है। 300 बच्चों के लिए हमने ऐसे फाउंडेशन की तरफ से ये आग्रह किया था। भगवान ने चाहा तो ये कार्यक्रम और आगे बढ़ता रहेगा। एक बार पुनः आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।